वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में, यानी कि 36 इयर्स पहले रिलीज हुई डायरेक्टर राज कपूर जी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं जुलाई में रिलीज हुई थी या अगस्त में रिलीज हुई थी, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जुलाई या अगस्त में रिलीज हुई थी और 1985 में रिलीज हुई थी, ये कंफर्म है। तो 36 इयर्स हो गए राम तेरी गंगा मैली को, विद स्टार्स राजीव कपूर। ये उनकी सेकंड फिल्म थी, उनकी फर्स्ट फिल्म थी वाज एफ सी मेरा एंड राजीव मेरा, आई थिंक दिव्या राणा वाज द हीरोइन, एक जान है हम, जो 1983 में आई थी, जो सुपरहिट हुई थी। और ये राजीव कपूर जी की सेकेंड फिल्म थी और मंदाकिनी जी की ये फर्स्ट फिल्म थी। उसके अलावा रज़ा मुराद, कुलभूषण करवंदा, सहेज जाफरी, दिव्या राणा, बहुत सारे कलाकार थे इस पिक्चर में। और ये राज कपूर जी की लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर थी और इट वॉज प्रोड्यूस बाय रणधीर कपूर जी। और ये फिल्म मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ने देखी क्योंकि उस वक्त हम लोग स्कूल में थे। हालांकि इस पिक्चर को US सर्टिफिकेट दिया गया था तो इसके बावजूद भी हमें नहीं लिया गया, थिएटर में एंटर नहीं किया, लेने ले रहे थे बच्चे लोग को, बिकॉज इट वॉज अडल्ट फिल्म। ऐसे मंदाकिनी के दो तीन बोल्ड सीन्स थे, इसी वजह से छोटे बच्चे लोग को, स्कूल के 18 से नीचे एज वाले को नहीं ले रहे थे। फिलहाल की थर्ड फोर्थ वीक में, फिफ्थ वीक में थोड़ा मामला ठीक ठाक हो गया तो लोगों को सबको ले रहे थे। फिर दैट टाइम आई सॉ आउट ऑफ 3-4 वीक्स के बाद वो पिक्चर मैंने बैंड्रा की गैलेक्सी सिनेमा में लगी थी, वहाँ पर देखी। और इस पिक्चर इतनी बड़ी धमाकेदार हिट हुई थी, इतनी बड़ी धमाकेदार हिट हुई थी, आई मीन बहुत जगह पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की थी और मुंबई के मिनरवा सिनेमा में डायमंड जुबली सेलिब्रेट की थी। और उस जमाने में जो पोस्टर्स होते थे वो कंप्यूटराइज पोस्टर नहीं होते थे, हैंड पेंटिंग पोस्टर थे, हाथों से पेंट करते थे। तो जो मिंद्रवा सिनेमा में जो बड़ा होर्डिंग लगाया था वो होर्डिंग आई थिंक इट रेन 75 वीक्स, तो दो बारिश आ गई और दो बारिश में पूरा का पूरा बोर्ड सफ़ेद हो गया था। तो अगेन उसको फिर से पेंट किया गया, उतना क्रेज था राम तेरी गंगा मैली पिक्चर का। हालांकि इस पिक्चर की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, स्क्रीन पे तो धमाकेदार था, राज कपूर जी द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ बॉलीवुड और आरके फिल्म द बिगेस्ट बैनर, मतलब सबसे बड़ा बैनर माना जाता था बॉलीवुड में व्हेन राज कपूर वॉज अलाइव। और राज कपूर की पिक्चर मतलब फिनिश, मतलब आगे पीछे कोई भी आएगा उसका कपड़ा हो जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ राज कपूर, क्योंकि राज कपूर का नाम ही काफ़ी था, मतलब ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ बॉलीवुड, मतलब उनका इतना ज़बरदस्त होल्ड था बॉलीवुड पे, वो किसी को भी लेके फिल्म बनाए द फिल्म एज पीपल पब्लिक देखने को जाएगी ही जाएगी, उतना ब्रांड था राज कपूर जी का नाम। तो पब्लिक तो टूट पड़ी फिल्म देखने के लिए और पीछे की स्टोरी स्क्रीन पर पब्लिक बहुत पसंद आया, लेकिन रविंद्रनाथ जैन का जो म्यूजिक था डैट वॉज ब्लॉकबस्टर म्यूजिक। एक एक गाने में सीटियाँ तालियाँ, पब्लिक ने जो पैसे फेंके स्क्रीन पे, सभी गाने 8-10 गाने सब गाने सुपरहिट थे। उसमें जो सुन साहिबा सुन वो गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था, सुपरहिट सुरेंद्र वाडकर, वो सब जो जितने भी गाने, एक एक गाने के वर्डिंग्स म्यूजिक इतना ज़बरदस्त था। आई थिंक रविंद्र जैन को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट म्यूजिक का। एंड राम तेरी गंगा मैली बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर एंड ऑफ दैट डिकेड। आई थिंक क्रांति वॉज देयर, आई थिंक मनोज कुमार जी की क्रांति राम तेरी गंगा मैली वो 80s में लगी थी, दिस वॉज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ दैट डिकेड। तो राम तेरी गंगा मैली तो धमाका मचा ही दिया। उसके बाद मंदाकिनी जी इतनी बड़ी स्टार बन गई, तो उनकी दुनिया भर की पिक्चर्स, इतनी फिल्में साइन कर दी उन्होंने, कुछ चली कुछ नहीं भी चली। राजीव कपूर भी बहुत बड़े हीरो बन गए थे, हालांकि आगे जाके उन्होंने फिल्म जो की वो बराबर नहीं की तो उनका करियर नीचे आ गया, ना तो इज नॉट अलाइव। तो उसके अलावा जितने भी कलाकार थे पिक्चर में उन सब ने इतना अच्छा रोल किया था, इतना अच्छा काम किया था। और जो फिल्म का जो पूरा सेटअप था, जो जिस तरह गंगा नदी वो सब बताया था, वो गॉड दैट वॉज लव्ड बाय एवरीवन। पिक्चर शुरू होती है तब से वो गंगा नदी बताते हैं, वहाँ से लेके एंड तक जो फिल्म बनाई है राज कपूर जी ने, जिस तरह का डायरेक्शन दिया है, लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि आज भी लोग उस पिक्चर को हमेशा याद करते हैं। जो उस दौर के जो लोग थे उनको ये फिल्म हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी पिक्चर। और गाने तो इतने सुपरहिट थे कि जिसका कोई जवाब नहीं, और मंदाकिनी के जो एक दो बोल्ड सीन्स थे दैट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। इतना मतलब फर्स्ट टाइम आई थिंक समबडी गिवन सच अ बोल्ड सीन, तो डेट वॉज लाइक मतलब पूरा भूचाल आ गया था पूरे इंडिया में कि हु इज दिस एक्टर, इतना बोल्ड सीन दिया, सुपर
मंदा की वो लुकिंग सो प्रिटी, इतनी खूबसूरत लगती थी, और जिस तरह से उनको उनको पोर्ट्रेट किया गया है, जिस प्रेजेंट किया गया है राज कपूर जी ने, तो पब्लिक को बहुत पसंद आया था। और पिक्चर जिस तरह शूट किया था, इतना ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी, तो लोगों को भी बहुत देखने में मज़ा आया था। सो नॉट ओनली द स्टोरी स्क्रीन पे एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टर्स एंड प्लस द म्यूजिक, द एंटायर फिल्म ईच सीन ईच लाइक परफॉर्मेंस ऑन ईच सीन वॉज सो ब्यूटिफुल। तो लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी एंड इट बिकेम अ लैंडमार्क फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा। और ये फिल्म सिर्फ मुंबई में नहीं, दुनिया के हर कोने में चली थी पिक्चर, और सबको ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। राम तेरी गंगा मैली बिकेम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, उनका उस डीके की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में उस पिक्चर का नाम आता है। और वो राज कपूर जी की आखिरी फिल्म थी, उसके बाद वो हीना फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं उनकी डेथ हो गई, इसी वजह से फिर रणधीर कपूर जी ने वो फिल्म बनाई थी हीना। तो राम तेरी गंगा मैली वॉज द लास्ट फिल्म ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर जी जो डायरेक्ट की थी, विच कम्प्लीट्स 36 ग्लोरियस ईयर्स। तो ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर आर के फैमिली एंड ऑफकोर्स राज कपूर जी इज नॉट देयर, जिन्होंने इतनी बड़ी लैंडमार्क फिल्म दी ऑडियंस को। तो हैट्स ऑफ टू द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ ऑफ बॉलीवुड राज कपूर जी। सो गाइस, यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन इज गो बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।